दोस्तों, हम सभी एक यात्रा पर हैं। जन्म लेने के बाद से ही हमारी ये यात्रा प्रारंभ हो जाती है और ये यात्रा हमारी मृत्यु तक चलती है। इस यात्रा में हम न जाने कितने उतार चढ़ाव देखते हैं, न जाने ही कितनी बार सुख और दुख भी भोगते हैं। इस यात्रा में दो पड़ाव होते हैं, परंतु हम में से अधिकांश लोग पहले ही पड़ाव पर फंस कर रह जाते हैं, और पहला पड़ाव है अकेलापन। हम में से अधिकांश लोग अकेलेपन के शिकार हैं। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करता है, और इसी अकेलेपन के कारण हम में से अधिकांश लोग अवसाद अर्थात डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उस वक्त हमें ये एहसास होता है कि हमारे सिवा यहाँ पर हमारा और कोई नहीं है, और उस वक्त जो हम महसूस करते हैं वो बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि हमने तो हमेशा केवल एक ही बात सोची है, और वह यह कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ अवश्य देंगे। लेकिन जब ऐसी कोई विपदा आन पड़ती है, ऐसी कोई परिस्थिति आन पड़ती है और हमें उनका साथ नजर नहीं आता, तो उस वक्त हम भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट जाते हैं और हमें उनकी कमी महसूस होने लगती है, और यही कमी धीरे धीरे अकेलेपन का रूप ले लेती है। हम जिसे अब तक सच मानकर चल रहे थे, वह केवल एक झटके में कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर जाता है। क्या आप भी अकेलेपन के इस पड़ाव पर आकर फंस चुके हैं और आपको यहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिससे आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति जो बहुत धनी था, बहुत संपन्न था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके चारों ओर उसके परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी सहयोग देते थे, और वह भी उन सभी की हमेशा मदद किया करता था। और वह व्यक्ति हमेशा एक ही बात कहता था कि मैंने भले कुछ कमाया हो ना हो, लेकिन मैंने आप लोगों का साथ कमाया है, और वास्तविकता में यही मेरी पूंजी है, यही मेरी संपत्ति है। वह अपनी दुनिया में बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और एक दिन व्यापार में ऐसा भी समय आया जब उसे ये निर्णय लेना था कि वह व्यापार में आगे बढ़े या फिर अपने व्यापार को यहीं तक सीमित रखे। यदि वह अपने व्यापार को यहीं तक सीमित रखता तो इसमें भी उसे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन यदि वह अपने व्यापार को आगे लेकर बढ़ता तो उसे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता। उसने मन ही मन सोचा, यदि मुझे ज्यादा मुनाफा होगा तो मैं और भी लोगों की मदद कर पाऊंगा, मैं और लोगों की सहायता कर पाऊंगा। इसी विचार के साथ उसने अपने सभी सगे संबंधियों से सलाह ली, और सभी ने उसे केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही कहा। उन सभी की बातों को मानकर उसने ये तय किया कि चलो, आखिर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने व्यापार को और उन्नति तक ले जाता हूं, और यदि कुछ गलत हो भी गया तो इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, ये लोग बुरे समय पर मेरा साथ अवश्य देंगे। यह सोचकर उस व्यक्ति ने अपने व्यापार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह अपने व्यापार को बढ़ा ना सका, और इसी कारणवश वह अपने पुराने व्यापार पर भी ध्यान न दे सका, जिस कारण उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। देखते ही देखते वह पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था, लेकिन अब भी वह बहुत खुश था, वह बहुत शांत था। वह यह सोच रहा था कि उसके सगे संबंधी उसका साथ अवश्य देंगे, वह उसे इस कर्ज से जरूर बाहर निकलवा लेंगे। यही सोचकर वह व्यक्ति अपने सभी सगे संबंधी और मित्रों के पास मदद मांगने गया। वह व्यक्ति उन सभी के पास गया जिसकी उसने कभी मदद की थी, लेकिन हर किसी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। हर किसी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर दिया, और अब इतनी बड़ी भीड़ में उसके माता पिता और उसके भाई बहन के अलावा उसके साथ और कोई खड़ा नहीं था।
देखते ही देखते वह व्यक्ति और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा। वह बहुत परेशान रहने लगा और उसने अपना आत्मविश्वास भी पूरी तरह से खो दिया था। इस कारण देखते ही देखते हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब तो हालात ऐसे हो चुके थे कि उसके घर में खाने के लिए भोजन तक नहीं था। और तभी उसके माता पिता और उसके भाई बहन ने भी उन सबके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे, तरह तरह के ताने मारने लगे। उन सब की यह बातें सुनकर वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, वह पूरी तरह से बिखर चुका था। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि लगता है अब मुझे एक बार फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा सब कुछ पहले था, मुझे वह सब कुछ एक बार फिर हासिल करना पड़ेगा। मुझे एक बार फिर धन कमाना पड़ेगा। जैसे तैसे उसने खुद को मनाया, अपने आप को एक बार फिर हिम्मत दी और उसने एक बार फिर खड़े होने का निश्चय लिया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से शुरुआत की और अब की बार उसने पहले से बहुत अधिक मेहनत की। अपना घमंड, अहंकार, अपना अभिमान सब कुछ छोड़कर वह केवल अपने काम पर ध्यान देने लगा। देखते ही देखते समय बदल गया और जो कुछ भी उसने खोया था वह सब कुछ उसने एक बार फिर से पा लिया। जो मित्र, जो सगे संबंधी उसे छोड़कर चले गए थे, वह एक बार फिर से उसके पास आने लगे। वह उससे पहले से भी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने लगे। उस व्यक्ति ने जिन जिन की मदद की थी वे एक बार फिर उसके साथ आ खड़े हुए थे। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन वह अपने आप को अब भी इस भीड़ में अकेला ही महसूस कर रहा था। उसे सबके भीतर एक बनावटी झूठ दिखाई दे रहा था। उसे सबके चेहरे पर एक बनावटी हंसी नजर आ रही थी, एक बनावटी भरोसा नजर आ रहा था। इसी कारण वह सबके पास होकर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, किसी से कोई आशा नहीं थी। और देखते ही देखते सबके बीच रहकर भी वह भीतर ही भीतर घुट रहा था। वह अपने आप को अत्यंत अकेला महसूस कर रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, जो उसकी अकेलेपन की इस परेशानी से उसे बाहर निकाल सके, जो उसके सुख और दुख में उसका साथ दे, उसके साथ खड़े हो, जो कभी उसे धोखा ना दे। वह ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश कई महीनों तक करता रहा और आखिरकार उसे एक ऐसी लड़की मिली जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। उस व्यक्ति को वह लड़की बहुत पसंद थी और वह उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। एक दिन की बात है, उस व्यक्ति ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी? इसके जवाब में वह लड़की कहती है, हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूं कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, मैं कभी नहीं बदलने वाली। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि कहीं यह भी बाकी लोगों की तरह बदल न जाए, कहीं यह लड़की भी उसे धोखा ना दे दे। इसलिए एक दिन उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उस लड़की से कहता है, देखो, मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं। ये जो भी शान और शौकत तुम देख रही हो ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे छोटे भाई का है। मैं तो बस इसे चला रहा हूं, मैं तो बस इसकी देखभाल कर रहा हूं। वास्तविकता में तो इन सब का मालिक वही है। और वैसे भी मैं इतनी सारी धन दौलत लेकर क्या करूंगा? मुझे तो केवल तुमसे प्यार है और शादी के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। कहीं दूर जाकर हम अपना एक छोटा सा घर बसाएंगे, हम वहां पर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। उस लड़के की यह बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहती है, तुम भी कितने भोले हो। अगर ये व्यापार तुम चला रहे हो, इसकी बागडोर तुम्हारे हाथों में है, तो तुम इसे अपने नाम पर भी तो करवा सकते हो। आखिर तुम्हें इसमें कितना समय लगेगा? जब तुम ये व्यापार अपने नाम करवा लोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मुझसे शादी करने का ख्याल मन में भी मत लाना। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और
वहां से चला गया। उस लड़की की बात सुनकर उस व्यक्ति के दिल को बहुत चोट पहुंची थी। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अब तक उसके जीवन में इतना अकेलापन नहीं था जितना कि अब वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। चारों तरफ हर कोई उससे झूठ कह रहा था। चारों तरफ हर किसी के चेहरे पर झूठी हंसी और झूठा मुखौटा था। उसे किसी पर अब भरोसा नहीं रह गया था और भीतर ही भीतर उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह किसी भी हालत में अपने इस अकेलेपन से छुटकारा चाहता था। एक दिन की बात है, वह व्यक्ति सैर करता हुआ अपने नगर से बाहर निकल गया और अपने नगर के बाहर निकलते ही उसे कुछ ही दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह व्यक्ति उस आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर बहुत शांति थी, बहुत सुकून था। उसे वहां की शांति बहुत अच्छी लग रही थी, जिस कारण उसका अकेलापन भी मिट रहा था। वह व्यक्ति उस आश्रम के बाहर बैठ गया और उस शांति का अनुभव करने लगा। तभी उसके सामने एक बौद्ध भिक्षु आ खड़े हुए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, भंते, मन को सुकून मिला? इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु को देखकर खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, यहां कितनी शांति है, यहां कितना सुकून है, और बाहर की दुनिया में तो हर कोई हमें लूटना चाहता है, हर कोई हमें तकलीफ देना चाहता है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत अकेला हूं, मेरा यहां पर कोई नहीं, मेरे चारों तरफ घूमने वाला हर एक व्यक्ति केवल मेरी धन दौलत से प्यार करता है, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे सभी सगे संबंधी भी मेरे साथ ही हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद भी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक दो पड़ाव में जीवन जीता है। पहला पड़ाव किसी भी मनुष्य को बड़ी सहजता से मिल जाता है, जिसमें उसे यह एहसास होता है कि इस जीवन में वह अकेला है। अकेलापन उसे कुछ इस प्रकार घेर लेता है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह बहुत एकांत में रहने लगता है। वह बहुत चिंतित और परेशान रहने लगता है। इसी अकेलेपन को समाप्त करने के लिए वह जिंदगी भर यहां से वहां भटकता है। वह इस संसार में तरह तरह की चीजों को पाना चाहता है जिससे उसका एकांत मिट सके, परंतु वह यह भूल जाता है कि ये सभी चीजें तो एक न एक दिन उसके हाथ से छूट ही जानी है। अंत में तो उसे अकेले ही जाना है और अधिकांश लोग इसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। वह इस अकेलेपन को भरना तो चाहते हैं पर कभी भर नहीं पाते। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, किंतु यह तो पहला पड़ाव हुआ और अगर पहले पड़ाव में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव कब शुरू होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, हम मनुष्य हैं और हमें अपने जीवन की यात्रा करने के लिए एक निर्धारित समय मिलता है, और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन की यात्रा के लिए जो उन्हें समय मिला है जन्म से मृत्यु तक का, वह उसी पड़ाव में फंसकर रह जाते हैं। वह उसे कभी निकल नहीं पाते। वह अपने जीवन को उस दूसरे पड़ाव तक ले ही नहीं जा पाते, क्योंकि हम अपने जीवन में उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते जो हमें अपने जीवन की यात्रा में दूसरे पड़ाव पर ले जा सकता है, जो हमारे जीवन से अकेलेपन को समाप्त कर सकता है। और अकेलेपन की इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है
एकांत। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन है जिसके जीवन में आने के बाद हमारे जीवन का अकेलापन समाप्त हो जाता है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे तो जो लोग भी मिले वे सभी मुझे धोखा देना चाहते हैं। वे सभी मेरी संपत्ति चाहते हैं, मुझे नहीं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, वो कोई और नहीं है बल्कि वह तुम खुद ही हो। तुम जिस खुशी को, जिस एकांत को बाहर ढूंढ रहे हो वह कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। क्या तुमने कभी खुद को खोजने का प्रयास किया है? क्या तुमने खुद को कभी जानने का प्रयास किया है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि तुम ही तो हो। चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम ही हो जो हर परिस्थिति में, हर समय में अपने साथ खड़े रहोगे। फिर ऐसे में तुम दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो कि किसी भी परिस्थिति या किसी भी समय पर वह तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम्हें स्वयं खुद पर भरोसा नहीं, जब तुम खुद को ही नहीं जानते तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, वह जीवन की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंच ही जाता है और उसका अकेलापन भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे एकांत प्राप्त होता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हमें दूसरों की तलाश होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ही हमें इस अवस्था से बाहर निकाल सकता है। वह हमारे मन के भीतर इस कमी को दूर कर सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ एकांत ऐसी अवस्था है जहां पर हम खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, हम अपने साथ होते हैं, हमें खुद पर यकीन होता है और हम अपने साथ होते हैं, बाकी कोई और हमारे साथ नहीं होता। दुनिया की इस भीड़ में होते हुए भी वह एकांत ही होता है। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में किए गए किसी भी कार्य से विचलित नहीं होता और ना ही उसे कभी कोई धोखा दे पाता है, ना ही कभी कोई उसका लाभ उठा पाता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वह अपने साथ है, उसे केवल खुद पर यकीन है और वह खुद पर ही भरोसा करता है और वह एकांत में है, इसलिए उसकी समझ के दायरे भी बढ़ते चले जाते हैं और तब वह अपने जीवन की असली यात्रा पर आगे बढ़ चलता है, जहां वह खुद को जानता है, खुद को पहचानता है और अपनी काबिलियत को अच्छी तरह से निखार पाता है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मैंने कभी अपने आप के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने कभी भी अपने आप पर ध्यान दिया ही नहीं। जब सभी लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे थे, जब सभी लोग मेरा साथ छोड़ रहे थे, तब भी मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये बात और है कि उस वक्त मैं अपने साथ ही था, लेकिन मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने हर बार खुद को खड़ा किया है, मेरे हर गम में मैं रोया था और अपनी हर खुशी पर मैं ही हंसा था। जीवन के बुरे दौर में, बुरी परिस्थितियों में मैंने ही खुद को संभाला था। हे गुरुवर, मैं खुद के इतना नजदीक था लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दे पाया और अपने जीवन काल में केवल उन लोगों के पीछे भागता रहा, उन लोगों को ढूंढता रहा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जिनके कारण मेरे जीवन का अकेलापन दूर हो सके। लेकिन अब मेरे ऊपर जो अकेलेपन का बोझ था वो हट चुका है और अब मैं आगे की यात्रा करना चाहता हूं, अर्थात मैं अपने एकांत में जाना चाहता हूं, जहां मेरे साथ केवल मैं ही रहूं और किसी के लिए कोई जगह ना हो। इतना कहकर उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे ही होते हैं। जीवन में यह अकेलापन आना जरूरी होता है क्योंकि इसके आए बिना हम एकांत की महत्वता को नहीं समझ पाएंगे और ना ही उसे पाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे।
जहां हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। हम केवल हमारे साथ होते हैं, हम अपने साथ हमेशा खुश रहते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में केवल कुछ ही लोग होते हैं जो एकांत में रह पाते हैं, जो खुद को जान पाते हैं, खुद को पहचान पाते हैं और वह अपने जीवन में परिवर्तन भी ला पाते हैं। वह अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वह इस भीड़ पर भी राज कर सकते हैं और वह चाहे तो इस भीड़ को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। जो व्यक्ति एकांत में रहता है उसके विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये आसानी से कभी किसी की बात पर भरोसा नहीं करते और ना ही कभी किसी की बात से प्रभावित होते हैं। लेकिन एकांत का अर्थ ये भी नहीं कि आप ये संसार छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर कहीं पर चले जाएं। इसका अर्थ तो ये होता है कि आप इस भीड़ में रहकर, इस संसार में रहकर भी आप इस भीड़ का हिस्सा ना बने और ना ही संसार का हिस्सा बने। हाँ, संसार के सारे कार्य करते हुए भी आप अपने साथ रहें, अपने आप खुश रहें, अपने दुख में रोएं, अपने खुशी में हंसें और खुद पर भरोसा करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।